नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं उल्के सक्सेना आप लोगों के साथ। आइए नजर डालते हैं खास खबरों की ओर। राजधानी जयपुर में पूर्व मंत्री राजपाल सिंह ने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की। आज भाजपा कार्यालय में पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा, सरकार के पृथ्वीराज नगर क्षेत्र की आवासीय कॉलोनियों के नियमन एवं विकास दर बढ़ाने के फैसले की कड़ी निंदा करते हुए, सरकार ने इस फैसले से गरीब लोगों की जेब काटने एवं भूमाफियाओं की जेब भरने का काम करके अपना असली चेहरा जनता के सामने बेनकाब कर दिया है। ऐसे आप झोटवाड़ा के एलिवेटेड रोड का मामला हो, तो छोटाड़ा के एलिवेटेड रोड का मामला हो, और हमने तो प्लान बनाया था जयपुर के सामने से ट्रैफिक की कितनी व्यवस्था कितनी तकलीफ। आज आप अंदाजा नहीं लगा सकते राजस्थान पत्रिका से बीजेपी ऑफिस में आने में कितनी देर लगेगी। अब ऐसी बात नहीं कर सकते, हमने प्लान किया कि जयपुर कुछ मेजर सड़क। दौसा जिले के उपखंड रामगढ़ पचवाड़ा में हुआ खतरनाक हादसा, जिसके चलते बस और मोटरसाइकिल में आपसी भिड़ंत हुई और युवक की मौके पर ही मौत हुई। दौसा जिले के उपखंड रामगढ़ पचवाड़ा के कोशी बड़ी घुमाव पर गुरुवार को बस और मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो जाने से मोटरसाइकिल सवार मोहनलाल मीणा निवासी राजपुरा की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि मोटरसाइकिल और बस की भिड़ंत इतनी तेज थी कि मोटरसाइकिल चकनाचूर हो गई। बस में फंसे मोटरसाइकिल और लाश को ग्रामीणों के द्वारा बाहर निकाला गया, जिसको ग्रामीणों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ पचवाड़ा पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मोहनलाल मीणा को मृत घोषित कर वहीं मोटरसाइकिल पर बैठा रामावतार मीणा निवासी राजपुरा के चोट आने से उसका प्राथमिक उपचार कर उसको छुट्टी दे दी। मौके पर पहुंची रामगढ़ पुलिस ने मृतक मोहनलाल मीणा का पोस्टमार्टम करवाकर लाश को भी परिजनों को सुपुर्द करवा दिया। ये घटना कैसे हुई? ये जा रहे था, घुमा जा रहे था रोड पर, जब अचानक वहाँ बछाड़ो आ गई रोड पे। कौन सी जगह पे? क्या आपके पास क्या थी? आपके पास क्या थी? मोटरसाइकिल सर। और वो बस से हुआ? और वो बस से। तो मोटरसाइकिल और बस की आपस में टक्कर हुई है? टक्कर आगे हुआ जो वो बचावा पहले तो अंडी बचा लियो फिर अंडी बचावा सड़े आ गया। अच्छा। आज 12 बजे के लगभग कोसी बड़ी मोड़ पर एक मोटरसाइकिल और एक बस का एक्सीडेंट हुआ था। जो बस लालसोट से इधर रामगढ़ पचवाड़ा से तुंगा की तरफ जा रही थी, और उधर से कोसी बड़ी मोड़ से रामगढ़ पचवाड़ा की तरफ से मोटरसाइकिल पर दो सवार व्यक्ति थे, मोहनलाल और रामतार। तो बस चालक ने तेज गति लापरवाही से चला करके मोटरसाइकिल ऊपर चढ़ा दी। तो मौके पर ही रामगढ़ पचवाड़ा में खंडेलवा युवा संघ ने बसंत पंचमी का पर्व एक दिन बाद बड़े धूमधाम से मनाया। दौसा जिले के उपखंड रामगढ़ पचवाड़ा में गुरुवार को खंडेलवा युवा संघ के तत्वाधान में तहसील स्तरीय सामूहिक गोट का आयोजन रखा गया। रामगढ़ पचवाड़ा तहसील अध्यक्ष बाबूलाल काठ ने बाहर से आए सभी अतिथियों का माल्यार्पण बनकर स्वागत किया। इस अवसर पर द्वारका लोन में महिला संगीत का भी आयोजन रखा गया, जिसमें महिलाओं ने नाच गान कर बसंत पंचमी का ये त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया। आपको बता दें कि खंडेलवाल युवा संघ का बसंत पंचमी बुधवार को मनाए जाने वाला कार्यक्रम आज गुरुवार को मनाया गया। बुधवार बसंत पंचमी को गौड सनाड्य ब्राह्मण समाज का सम्मेलन होने से इस कार्यक्रम को एक दिन पीछे किया गया। गुरुवार को खंडेलवाल युवा संघ ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। इस अवसर पर खंडेलवाल युवा संघ ने मेधावी छात्र छात्राओं का भी सम्मान कर उनका हौसला अफजाई की। इस दौरान रिपोर्टर योगराज गौतम को भी खंडेलवाल युवा संघ ने सम्मानित किया। इस अवसर पर खंडेलवाल युवा संघ के उपाध्यक्ष विष्णु बड़ाया, कोषाध्यक्ष गोपी बड़वाला, महामंत्री आसाराम नारायण वाला सहित समाज के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान ग्राम बहपुर, सलेमपुर, कलवास, निजामपुरा, अरनिया सोनर, सिंधोली के समाज बंधु ने भी गोट में भाग लिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।